अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी। हाफ कप तेल गरम हो गया है, फ्लेम को लो कर दिया है। इसमें मैं सबसे पहले हाफ टी स्पून राई ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून राई ऐड करने के बाद एक टी स्पून जीरा ऐड कर देंगे इसमें। जीरा ऐड करने के बाद हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम रखा है, 1/4 टी स्पून हींग ऐड कर देंगे। थोड़े कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट को भून लेंगे लाल होने तक। फ्लेम को लो कर देंगे। सात टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे बेसन को भूनेंगे। यही टेबल स्पून से मैंने सात टेबल स्पून बेसन दिया है भरकर। बेसन का कलर गोल्डन होने तक हमने इसको लो फ्लेम पे भून लिया है। इसमें चार मीडियम साइज कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे, टमाटर के गलने तक इसको भून लेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। टमाटर के गलने तक भून दिया है बेसन को। इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दिया था, पानी को अच्छा बॉईल आ गया है, नमक कम हो गया है। इसमें 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। एक लेमन साइज भिगी हुई इमली का पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया, 1 टीस्पून और नमक ऐड कर दिया। अभी कड़ी को अच्छा बॉईल आ गया है। इसमें 6 स्लिट की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। मिर्ची पाउडर और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर देंगे। कड़ी को लो फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें। अब इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। आधा पाव भिंडी धोकर मैंने काटी थी और फ्राई कर दिया था थोड़े से तेल में, ये ऐड करेंगे। भिंडी फ्राई करके इसलिए ऐड करना है क्योंकि इसका जो स्टिकीनेस है फ्राई करने से चली जाती है। आधा पाव गवार ऐड करेंगे इसमें। एक बड़ा सा आलू धोकर काट दिया था, पानी में रख दिया था, ये भी ऐड करेंगे।
पाव किलो सिगट की फली है, छीलकर धो दिया है मैंने इसको, ये भी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। नमक आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, कम हो तो। सब्जियों को डालने के बाद कड़ी को अच्छा बॉईल आ गया है, लो फ्लेम करके इसको ढककर रखेंगे। 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे ढककर गला दिया था सब्जियों को। अब सब्जियां बिल्कुल रेडी है, गैस ऑफ कर दिया है। सिंधी कढ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।